हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी जो मेरे प्लांट्स हैं जो मैंने टेरेस गार्डन पे लगाए हुए हैं वो सभी के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा और एक गार्डन का ओवरव्यू आप कह सकते हैं जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो की शुरुआत में हमारे पास जीनिया के पौधे हैं। जो दोस्तों जीनिया का पौधा होता है ये एक तरह का एनुअल प्लांट है जो कि 6 महीने बाद अपने सीड्स प्रोड्यूस करता है और उसको हम दोबारा से लगा सकते हैं और इसके सीड्स बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। अगर मैं बात करूं कभी इसके सीड्स लगाने चाहिए, आपको फरवरी में फर्स्ट बैच आप लगा सकते हैं। अगर आप दोबारा से विंटर सीज़न के लिए प्रिपेयर करें तो सितंबर या अक्टूबर बेस्ट रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये वाली वैरायटी है इसका नाम बैनरी जायंट है, क्योंकि दोस्तों ये जो हमारे पास वैरायटी है इसकी जो लेंथ है बहुत ज़्यादा है इसलिए इसका नेम बैनरी जायंट है। और दिस वन वैरायटी इज़ ज़हारा मिक्स। ये जो है हमारे पास ज़हारा मिक्स वैरायटी है, इसमें काफ़ी सारे फूल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसानी से ग्रो होने वाला ये एक पौधा है। और दोस्तों जो जीनिया ज़हारा है इसकी ड्वार्फनेस बहुत ज़्यादा होती है और इसको आप बहुत ही कम जगह पे भी लगा सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े पॉट की रिक्वायरमेंट नहीं लेता। सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है जो कि ड्वार्फ वैरायटी में अगर आप ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, क्योंकि इसके जो पुराने फूल हैं उनको आपको तोड़ना पड़ता है, उनको हम डेड हेडिंग कहते हैं। इसकी जो डेड ब्लूम्स हैं उनको हमें प्लग करके या उसके सीड्स हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसकी अगर आप कंटिन्यूस फ्लावरिंग लेना चाहते हो तो डेड हेडिंग ज़रूर करिए और आपके पौधे में बहुत बढ़िया फूल आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जो पौधे हैं उसमें बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग आ रही है जो मेरे पास जीनिया ज़हारा मिक्स है। और इसके आप सीड्स परचेज कर सकते हो सीड्स एंड पॉट्स की वेबसाइट पर या फिर और कोई ट्रस्टेड सेलर या फेसबुक पर आपको मिलता है तो आप उनसे भी परचेज कर सकते हो। सो दिस इज़ द ओवरलुक ऑफ माई जीनिया गार्डन। जीनिया में मैंने काफ़ी सारे जो सीड्स लगाए हुए हैं और सभी सीड्स की जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी गई थी। और आप यहाँ पे जो अपडेट देख रहे हैं ये सीड से 3 मंथ्स बाद का है और बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो रहा है। मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी पूछे गए थे कि आप कैसे जीनिया की केयर करते हो। इसकी आप अगर सॉइल में काउडंग कंपोस्ट नहीं डालोगे तो आपको इतनी बढ़िया ब्लूमिंग नहीं मिलेगी, क्योंकि जो काउडंग कंपोस्ट होती है वो एक तरह की स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होती है जो कि इनको बहुत ही टाइम टाइम पे फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करती है, नाइट्रोजन और जो काफ़ी माइनर एलिमेंट्स भी होते हैं जो हम माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं उनको भी ये प्रोवाइड करती है। और दिस वन आर सम ऑफ माय विंटर सीजनल जो मैंने अभी प्रिजर्व करके रखे थे और ये हमारे पास पर्सलिन की वैरायटी है। दोस्तों मॉसरो सबसे बेस्ट प्लांट माना जाता है अगर आप एज अ गार्डनिंग को शुरू करना चाहते हो फॉर द बिगनर पीपल, तो ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो होने वाला एक पौधा है जो कि कटिंग से भी बहुत बढ़िया तरीके से प्रोपेगेट हो सकता है। सो आप अभी भी इसको लगा सकते हैं, जो जीनिया चाहे मॉसरोज है जो समर सीजनल्स हैं, जो समर सीजनल सभी होते हैं वो विंटर सीजन में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं, पर विंटर सीजन वाले समर सीजन में नहीं कर सकते क्योंकि उनका जो टेम्परेचर है वो अलग होता है और वो मर जाते हैं। और यहाँ पे हमारे पास पर्सलिन की सम ऑफ द वैरायटीज़ हैं, इसमें बहुत ज़्यादा फूल आते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो इनको भी आप कटिंग से ग्रो करें तो बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है। इसकी भी 3 तरह की प्रोपेगेशन होती है क्योंकि ये एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। आप इसके जो लीव्स हैं वो भी लगा सकते हैं, इसके सीड्स हैं वो भी लगा सकते हैं और इसकी कटिंग से भी बहुत आसानी से प्रोपेगेशन हो सकती है। और दिस वन इज़ आर चिली प्लांट जो कि अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, इस पर अभी आएंगे। और सम ऑफ द पॉर्चुला का जो मैंने सीड से ग्रो की है, ये वाली पॉर्चुला का है और इसमें बहुत बढ़िया तरीके से ब्लूमिंग हो रही है, पर अभी जैसे बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया इसलिए इसमें वीड्स भी बहुत आने लगे हैं, तो आपको जो वीड्स हैं वो उखाड़ने बहुत ही ज़रूरी हैं, नहीं तो आपके पौधे की जो ओवरऑल ग्रोथ है उसको भी अच्छा नहीं रहने देते। और जो सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम इनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करते हैं वो सभी ये ले लेते हैं। सो इसके लिए ये ध्यान रखें जो भी आपके पौधे में वीड्स हैं उनको सभी को निकालते रहें, जिसके साथ आपके पौधे की ग्रोथ है बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगी और आपके पौधे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ये मेरे पास सनडाइल मिक्स वैरायटी है, ये मैंने सीड से ग्रो की है इसलिए मुझे याद है। और इसमें 5 to 6 कलर्स आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और सम ऑफ द कोलियस एंड सम ऑफ द विंटर सीजनल जो मैंने प्रिजर्व करके रखे हैं वो सभी बहुत बढ़िया तरीके से चल रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक और पौधा दिखाना चाहूँगा जिसका नाम है सेलोशिया। सेलोशिया आर्मर एक तरह की वैरायटी जिसको हम कॉक्सकॉम्ब भी कहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बहुत बड़ा फूल आता है। इसकी जो वैरायटी है दोस्तों ये ड्वार्फ वैरायटी है, आप देख सकते हैं इसका जो लेंथ है वो बहुत ही कम है स्टेम की और बहुत बड़े इसके फूल आते हैं। इनको चाहे आप 5 इंचेस के पॉट में लगाएं, मैंने 6 इंचेस के पॉट में लगाया हुआ है, ये बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो भी करें, इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और इनके जो कलर्स होते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से
जो खेलते हैं, और इनको आप हैंगिंग बास्केट्स में भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे घर के बाहर, अगर आपके फ्रंट गार्डन है उसमें भी ये बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करते हैं। और इनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है, अगर ये एक बार मर जाएं या इसमें फंगस लग जाएं, जो इसके सीड्स है बहुत जल्दी हार्वेस्ट हम कर सकते हैं, वो दोबारा से लग जाते हैं। अभी मैंने सेकंड बैच भी इनके जो बीजों का लगाया हुआ है उनकी भी मैं आपको अपडेट दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और दीज आर सम ऑफ माय अरेका पाम एंड जरबेरा प्लांट। जरबेरा प्लांट अभी थोड़ा सा ओवर वाटरिंग के कारण ख़राब हो रहा है, पर मैं उनको सभी को अच्छा फर्टिलाइज़र दूंगा। और दिस इज़ माय हिबिस्कस कलेक्शन। दोस्तों अभी इसके ऊपर फूल नहीं आए हुए, पर मैंने बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के हिबिस्कस कलेक्ट किए हुए हैं, जो सभी की जो कॉस्ट है वो 300 to 400 रुपीज़ ईच होगी। और सभी मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, और सम ऑफ द प्लांट्स जो मुझे लोकल नर्सरीज में अवेलेबल थे मैंने वो भी परचेज़ किए हुए हैं। जब दोस्तों इन पर ब्लूमिंग स्टार्ट होगी तो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे इसकी केयर कर सकते हैं। और समर सीज़न में मेनली क्या होता है, जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, सभी जो हमारे ग्राफ्टेड हाइबिस्कस हैं ये अपनी बर्ड्स को शेड करने लग जाते हैं, जो कि एक तरह की मेजर प्रॉब्लम है, या आप कह सकते हैं एक फैक्टर है। इसमें कोई भी आपके पौधे की गलती नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सभी जो बल्ब जो इसकी जो बर्ड्स हैं वो सभी फॉल ऑफ होने लग जाती हैं। सो दिस वन इज़ आर पर्सलिन, जो मैंने रैक में लगाई हुई है। दोस्तों ये जो मैंने रैक लिया था इसमें 5 पॉट्स मुझे मिले थे 900 रुपीज़ का, मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। जब भी आप कोई पौधा ऑनलाइन या कोई भी रिक्वायरमेंट आपकी होती है ऑनलाइन आप परचेज़ करते हो, तो आप सबसे पहले ये ट्राई कीजिए को आपको विद इन स्टेट मिल जाए जहाँ पर आप रहते हो, क्योंकि उसके साथ क्या होता है आपके पौधे के मरने के चांसेस या आपकी कोई भी आपने पॉट्स लिए हैं उनके टूटने के चांसेस कम हो जाते हैं, और आपको पार्सल भी आपका जल्दी मिल जाता है। सो दिस वाज द वीडियो जिसमें मैंने आपको सभी जो पौधे दिखाए हैं। आई होप आपको जीनिया बहुत पसंद आए होंगे, क्योंकि ये एक तरह का मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस था जीनिया को ग्रो करने का। बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो हुए हैं, पर इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम जो मुझे फेस मैंने की है, इसका ड्रॉबैक है, इसकी जो वाटरिंग कंडीशन है वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखनी पड़ती है। अगर आप एक भी बार वाटरिंग इसकी करना भूल गए तो इसके साथ क्या होगा, ये पत्ते अपने जिसके बर्न होने लग जाते हैं, इसकी जो बर्ड्स हैं वो गिरने लग जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा इसमें ये वाली प्रॉब्लम आती है। अदरवाइज जीनिया इज़ द बेस्ट समर सीजनल प्लांट, चाहे आप इसको विंटर सीज़न में लगाएं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा विंटर सीज़न में ज़रूर लगा के देखें, क्योंकि उस वक्त तो हमें इतनी ज़्यादा वाटरिंग की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ती और आपका पौधा भी बहुत आसानी से ग्रो करता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और साथ ही साथ मेरी वीडियो को शेयर एंड लाइक भी ज़रूर करिएगा। फॉर मोर अपडेशन यू कैन ऑल्सो राइट मी इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, तो आपको मैं विद अपडेट्स वो वीडियो दिखाऊंगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।